नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में। अगर आप चैनल नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे रिकॉन एंड रेलटेल, रेलवे के जो स्टॉक्स है इनके बारे में बात कर लेते हैं। Q3 रिजल्ट्स एनालिसिस है ये कि कैसे रहा इनके नंबर्स, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। सिर्फ नंबर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक को आपने कैरी करा हुआ है तो डेफिनेटली नीचे एवरेज पक्का करना, एवरेज कहाँ अच्छा हो सकता है वो जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले बात करते हैं, देखो इनकॉन इंटरनेशनल से इसका जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट 25% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो 130 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कंपनी दिया है। बाकी अभी आपको दिखलाऊंगा, एम कंपैरिजन कर लेंगे लास्ट ईयर से, तो पहले आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी दूसरा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो आप रेलटेल का भी देख सकते हो, इसके भी जो नंबर है ठीक ठाक आए हैं। ठीक है, इसकी भी जो ग्रोथ है ईयरली बेसिस में वो 24% हमें देखने को मिलती है। 474 करोड़ के आसपास का Q3 इनकम इसने जनरेट करी है। अब बात करते हैं इनके एनालिसिस लास्ट ईयर से कैसा रहा, तो देखिए देख लेते हैं एक बार सिंपल सा, यहाँ खोल लेते हैं और हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कैसे रहे नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो देखो जो रेलटेल है 106 रुपए का इसमें ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा डिविडेंड आपको देता है। बाकी कंपैरिजन करते हैं नंबर्स की अब। ठीक है, तो दिसंबर में देखो सेल्स कंपनी की 418 करोड़ की सेल्स है। ठीक है, एक सेकेंड है, एक सेकेंड जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं येरा दिसंबर में कंपनी की जो सेल्स है 418 करोड़ की सेल्स हुई है। ठीक है, और यही सेल्स अगर आप बात करते हो दिसंबर 2020 में तो 411 करोड़ की सेल्स थी। तो कंपनी की सेल्स सेम है, थोड़ा बहुत सेल्स और मार्जिन बढ़े, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं सीधा कि नेट प्रॉफिट कितना रहा कंपनी का, देखो 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट ईयर 70 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसकी बात कर लेते हैं इरकॉन इंटरनेशनल, अभी आप देख सकते हो 43 रुपी ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर बात करें दिसंबर क्वार्टर में नंबर्स, तो देखो दिसंबर में कंपनी की सेल्स 1762 करोड़ की हुई है, जो काफी ठीक है। दिसंबर 2020 में 1354 करोड़ की सेल्स थी, मतलब कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो हो रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी ने इस बार आपको 136 करोड़ का प्रॉफिट दिया है और लास्ट क्वार्टर 102 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देख सकते हो ईपीएस भी लगातार ग्रो हो रहा है, इसका मतलब कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए, ऑलमोस्ट 40 to 45% या 40 to 45% के आसपास इसके नेट प्रॉफिट पे हमारे नंबर इंक्रीज देखने को मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। अब बात करें चार्ट पैटर्न की, ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हो। ठीक है, तो एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं, नंबर अच्छे आए इसके। ठीक है, बाकी को चार्ट पैटर्न उसका एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, साफ हमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी इसका जो चार्ट पैटर्न है उसके कंपैरिजन में अच्छा लगता है, लेकिन देखो ये पूरा अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर कोई तेजी आपको देखने को नहीं मिली है, ये अभी बस टाइम बिता रहा है, बस ये समझ लो। ठीक है, लास्ट 2 सालों से ये टाइम काट रहा है इधर और टाइम बिता रहा है। बाकी अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो इस प्राइस के ऊपर, एक बड़ी तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है, जो है आपका ये लास्ट स्विंग आपको जो दिख रहा है, ये लास्ट स्विंग जो है स्टॉक का 48 और 50 के ऊपर स्टॉक में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है अगर ये तोड़ता है, इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है। बाकी देखो अभी करंटली स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, तो चाहो तो आप स्टॉक को यहाँ एकोमोडेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट ले रहा है 1, 2, 3। ठीक है, तो यही है भाई इसमें भी कि वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अगर करना है तो आपके पास तरीके होना चाहिए कि आप अगर वो स्टॉक का भाई नीचे जाए तो आप उसको मैनेज कर सको। ठीक है, तरीके बहुत सारे, जैसे एक तरीका सिंपल ये कि इसमें ट्रेडिंग करो, सिंपल सा तरीका है। अगर ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है तो एवरेजिंग करने के लिए नीचे पैसा रखो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर इन दोनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इरकॉन वाला जो स्टॉक है अच्छा रहेगा, 5% का आपको डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। ठीक, स्टॉक दोनों स्टॉक अच्छे वैसे तो, लेकिन अब इसके नंबर थोड़े अच्छे आ रहे हैं तो इसको आप नजरों में रख सकते हो ना। बाकी जो IRFC है और रेल विकास निगम, दोनों स्टॉक अच्छे, IRFC के नजर में रख सकते हो, भी अच्छा स्टॉक लगता है, डेफिनेटली वो भी स्टॉक अच्छा आपको रिटर्न देके जा सकता है, 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं कि इंट्राडे में आज कैसा काम का जो दोनों स्टॉक्स में, एक बार देख लेते हैं क्या वॉल्यूम था, क्या सा रहा, डिलीवरी कैसे उठाई गई है, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो इरकॉन का मैंने खोल दिया है यहाँ पर, और ऑलमोस्ट अभी भी देखो 6 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए, 6 लाख शेयर्स, 66% की डिलीवरी उठाई गई है आज इंट्राडे में स्टॉक में। ठीक है,
अब बात करते हैं रेलटेल की। तो रेलटेल देख सकते हो कैसा शेयर है, एक बार रुक जाओ। रेलटेल का भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 51% की डिस्काउंट उठाई गई है। जो स्टॉक का वॉल्यूम है 3 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, 1 लाख शेयर प्लस मतलब 1.89 लाख शेयर लोग घर लेके गए। ठीक है, मतलब नंबर तो काफी सही नंबर है। ठीक है, लोगों का जो व्यू है वो यही है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म अच्छा करता है, इसलिए लगातार क्वांटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखो, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मार्केट को कभी देखते नहीं हो, तो ठीक स्टॉक से बाय कर लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और मार्केट को देखते रहते हो, तो भाई डेफिनेटली आपका प्लान बी होना चाहिए, आप उस पर ट्रेड कर सको। ठीक है, आपके पास अगर टाइम है, अब प्लान सी ये होना चाहिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, टाइम भी नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करो, इन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो। जो वीडियोस बनाता हूँ उनको ऑब्जर्व करा करो, देखा करो कि क्या हो रहा है प्राइस एक्शन। और ये जो रेलवे के स्टॉक्स है ना, ये सब स्लो मूविंग स्टॉक्स है। ये मत सोचना कि ये स्टॉक आपको कल ही बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे देंगे। ठीक है, 50 रुपये से 500 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, क्योंकि बहुत प्राइस एक्शन मूवमेंट है ही नहीं स्टॉक्स में। देखो ना, खुद 2-3 सालों से कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी रेलवे को लाइक करते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर नहीं करते तो इनमें आप सिर्फ क्या करो, अपॉर्चुनिटी देखो, डिविडेंड के समय इन्वेस्टमेंट करो, पैसा निकालो, एग्जिट करो बस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।